जी तो दोस्तों, मैं गिलगित सकर्दू रोड पर बदस्तूर मौजूद हूँ। रोड बंद है, आज तीसरा रोज़ है और हम पैदल जो है अपने सफ़र को इस वक्त हमने जारी रखा हुआ है। काफ़ी तादाद में मुसाफिर जो हैं वो फंसे हुए हैं और जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, और उनकी मुश्किल का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मैं खुद इस वक्त पैदल उस जगह की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर अब ब्लॉकेज है, जिसको खोलने के लिए सुबह से इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है और जिस जगह पर ब्लॉकेज है वो ज़्यादातर नरम चट्टानें हैं, और नरम चट्टानों पर अगर ब्लास्टिंग की जाती है तो आगे भी जो चट्टानें हैं वो नरम हो जाती हैं और किसी भी टाइम जो है वो स्लाइडिंग हो सकती है। तो आप देख सकते हैं साथ साथ वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं और गाड़ियों में मुसाफिर भी हैं। फंसे मुसाफिर अब अंदाज़ा करें कितने थके होते हैं। और दो मुसाफिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी शक्लें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन पर थकावट का बोझ जो है वो किस कदर तारी हो चुका है। आज रोड बंद हो और उससे बारिश भी हो तो ऐसे में आपको महफूज ठिकाने की तलाश होती है। हमने भी एक ठिकाना यहाँ पर तलाश कर लिया है, इसे गालिबन बिल्डोज़र कहा जाता है और बिल्डोज़र के बेल्ट पे भी और इनायत इंदू बैठकर बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे मुसाफिर, अगर हमारे दोस्त नासिर दिखा सकें तो
तो उधर बारिश में खड़े हैं, भीग रहे हैं। और जिशान साहब को भी आप आते हुए दिखा सकते। देख सकते हैं कि एफडब्ल्यू का जो अमला है वो रोड की बहाली में कोशा है, लेकिन काफ़ी बड़ी पहाड़ी का मलबा है जो इस वक्त रोड पे गिरा हुआ है, जिसके बाईस रोड को खोलना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है और यहाँ पर मौजूद अधिकारियों से हमारी बात हुई, बताया था कि शाम तक रोड खोल दी जाएगी। मुश्किलात है, थोड़े मुश्किलात है। इधर 130 रुपए की दाल की प्लेट है, दो तीन रोटी खाएगा तो 200 रुपए लग जाएगा। इधर मजदूरी करने आया है जी, हमारा 800 रुपए दिहाड़ है, क्या करेगा, हम मजबूर लोग। कसम खुदा की सुबह के हमने एक परोठा खाया तो भूखे हैं, मजबूर है हम लोग। कितने दिनों से इधर? कल से हम, कल शाम से। हाँ जी, आपके साथ और कितने लोग हैं? हमारे साथ चार साथी हैं।